हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 4 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इधर सारे वर्कर साओ और जिनसू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि वो दोनों कितने अच्छे हैं, एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, उन दोनों का कपल कितना ही अच्छा है। वो दोनों तो सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं, उन्हें देखकर ही लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते होंगे। और मिस्टर सॉन्ग ने तो मिसेस सॉन्ग के लिए कितना बड़ा सरप्राइज भी प्लान किया था, जिसे देखकर मिसेस सॉन्ग कितनी खुश हुई थी। तो वह ये सब सुनकर तो सदमे में ही आ जाती है, पर वो हार नहीं मानती और एक ट्रिक लगाती और उन लोगों को अपनी बातों के जाल में पूरी तरह फंसाकर उन लोगों से साओ के रूम का मास्टर की ले लेती है, ताकि वो उन लोगों के रूम में जाकर देख सके कि मिस्टर सॉन्ग ने आखिरकार साओ के लिए ऐसा क्या प्लान किया था। आगे वही जिनसू के रूम को खोलने की कोशिश करती है, पर वो रूम नहीं खुलता कि तभी उधर से रोकी जा रहा होता है और वो वही को देख लेता है। तो रोकी वही से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और अपने दोस्त के रूम में ताका झाकी क्यों कर रही हो। तो वही इस बात को कवर अप करने की कोशिश करती है कि वो ऐसे ही यहाँ पर घूम रही थी, तभी मैंने किसी रिपोर्टर को देखा इसलिए मैं इस तरह छुपी हुई हूँ। तो रोकी ये सब सुनकर हैरान होता है कि तभी उसकी नजर एक रिपोर्टर पर पड़ती है जो वही के पीछे पड़ा हुआ होता है। तो रोकी वही को उस रिपोर्टर से बचाता है और उस रिपोर्टर को अपने साथ लेकर चला जाता है और वही इसी का फायदा उठाकर जिनसू के रूम में घुस जाती है। आगे वही वहाँ का डेकोरेशन और वहाँ के सामान को देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे लगता है कि जिनसू से चीट कर रहा है कि तभी उधर से जिनसू और साओ भी रूम में आ जाते हैं। तो वही वहीं पर छुप जाती है ताकि उन दोनों को कुछ भी पता ना चले। आगे वो दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जिनसू की नजर वही पर पड़ती है। तो जिनसू वही को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो वही कहती है, तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गए, तुम मुझसे प्यार करते थे ना, तो फिर तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, क्या तुम्हें साओ से प्यार हो गया है। और वही जिनसू पर बेवफा होने का इल्ज़ाम लगाने लगती है। तो साओ वही को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो समझ रही है वैसा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, पर वही साओ की कुछ भी नहीं सुनती, उल्टा उसे ही डांट देती है। तो जिनसू को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है ना, तो फिर मैं अपनी लाइफ में जो भी करूं उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। तो वही ये बात सुनकर रोने लगती है और कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, पहले भी हमारा झगड़ा हुआ था लेकिन कभी भी मुझे नहीं लगता था कि तुम मुझसे कभी भी दूर जाओगे, लेकिन इस बार मुझे लगता है तुम मुझसे बहुत दूर चले गए हो, जहाँ तक मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं पा रही। तुम्हारा दिल हमेशा मेरे लिए धड़कता था लेकिन आज मुझे तुमसे अजनबियों वाली फीलिंग्स आ रही है, तुम इतना कैसे बदल गए जिनसू। तो जिनसू कहता है, तुम्हें सिर्फ मेरा बदलाव दिख रहा है, अपना नहीं दिख रहा, तुम बाहर क्या करती हो, मैं हमेशा तुम पर भरोसा करता था लेकिन तुम हमेशा मेरे भरोसे को तोड़ती थी, मैं हमेशा तुम्हें मनाने के लिए अपने सारे एफर्ट यूज करता था और तुम्हें खुश रखता था लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मुझे हमेशा धोखा दिया और मुझे इग्नोर किया। तो वही कहती, हाँ मुझे पता है, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, मैंने अपने करियर की वजह से अपने रिश्ते पर ध्यान नहीं दिया, मुझे उस बात का पछतावा है लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आगे जिनसू को वही पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो वही से झगड़ा करके वहाँ से चला जाता है। तो साओ वही को समझाती है कि जैसा वो समझ रही है उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही कहती है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, जिनसू सिर्फ मेरा है और मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगी कि वो मेरा प्यार मुझसे छीने। तो साओ कहती है, मुझे भी इन सबसे नफरत है, जो चीज मेरा नहीं है मैं उस पर हक नहीं जताती और ना ही मैं किसी का चीज छीनती हूँ, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ, मेरे और जिनसू के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। तो वही कहती है, फिर अपनी कही बात को याद रखना और लिमिट में रहना, और वही ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो साओ को बहुत ही बुरा लगता है वही के ऐसे बिहेवियर से। इधर जिनसू वही की याद में खूब ड्रिंक करता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसका दिल चाहता क्या है। एक तरफ तो वो साओ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और दूसरी तरफ वो वही से भी प्यार करता है और बेचारा इसी कसम कसम में होता है कि आखिरकार उसका दिल चाहता क्या है। कि तभी वहाँ पर फिर से उसी मिस्टेरियस लेडी की एंट्री होती है और वो जिनसू को कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें अपनी वाइफ के पास जाना चाहिए, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तो जिनसू कहता है, आप यहाँ से जाइए, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। तो वो लेडी जिनसू का पीछा नहीं छोड़ती और मुझे बताओ आखिरकार क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। तो जिनसू पहले तो उसे कुछ भी नहीं बताता लेकिन जब वो लेडी अपने पति के बारे में जिनसू को बताती है तो जिनसू भी अपनी फीलिंग्स उस लेडी से शेयर करता है पर उसे वो पूरी बात नहीं बताता। तो वो लेडी कहती है, अगर तुम सच में पता लगाना चाहते हो कि तुम किससे प्यार करते हो तो उसके बारे में सोचो और उसके साथ बिताए गए उस खुशनुमा पलों को याद करो, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। तो जिनसू आंख बंद करके अपने फीलिंग्स के
बारे में पता लगाने की कोशिश करता है तो उसे सिर्फ साओ की ही झलक दिखाई देती है और उसके साथ बिताए गए पलों को ही वो याद कर पाता है, जिसे याद करके वो बहुत खुश होता है। आगे जिनसू को लगता है कि उसके अंदर साओ के लिए फीलिंग्स है तो वो सीधा साओ से मिलने के लिए जाता है, पर वहाँ पर साओ नहीं बल्कि उसका छोड़ा हुआ एक लेटर होता है जिसमें साओ ने लिखा हुआ होता है, आज तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच कोई भी प्रॉब्लम हो, इसलिए अच्छा यही होगा हम दोनों के लिए कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहे। तो जिनसू को वो लेटर पढ़ के बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में बहुत सारी ड्रिंक करता है। इधर साओ भी उसी रूम में होती है पर वो जिनसू से छुपकर रहती है ताकि उसे जिनसू का सामना ना करना पड़े और वो चुपके से उस रूम से निकल जाए। आगे जिनसू को अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो जिस इंसान को भी पसंद करता है वो इंसान हमेशा उसे छोड़कर चला जाता है और जिनसू शराब के नशे में अपने दिल की भड़ास निकालता है। तो साओ ये सब सुन रही होती है और बेचारी को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। आगे जिनसू अपना गुस्सा आईने पर निकालता है और उस पर अपना हाथ दे मारता है तो साओ को जिनसू का पेन देखा नहीं जाता और वो जिनसू के सामने आ जाती है। तो जिनसू कहता है तुम मुझे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकती हो, मैं जब से तुमसे मिला हूँ मैं खुश रहने लगा हूँ, मैं अपने सारे गमों को भूल जाता हूँ जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारे साथ मैं अपने आप को पूरा पाता हूँ, तुम मुझे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकती हो। और जिनसू ये कहकर साओ को किस कर लेता है। वेल, आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा और इन दोनों में ढेर सारा रोमांस भी देखने को मिलेगा। अगली सुबह जिनसू की जब आंख खुलती है तो वो अपने सामने वही को देखता है। तो जिनसू वही को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो जिनसू वही से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वही कहती है मैं नहीं होंगी तो कौन होगा। तो जिनसू कहता है क्या कल रात हम दोनों ने एक साथ रात बिताई है। तो वही जिनसू को झूठ बोल देती है कि उन दोनों ने एक साथ एक रात बिताई है। तो जिनसू ये सब सुनकर पूरी तरह बौखला जाता है क्योंकि उसे ये बात हजम ही नहीं हो रही होती है कि कल रात उसने वही के साथ रात गुजारी है। तो जिनसू वही से फिर से पूछता है क्या सच में हम दोनों ने कल रात एक रात गुजारी है। तो वही कहती है जिनसू तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी, तुमसे बहुत प्यार करूंगी, प्लीज जिनसू मुझे एक और मौका दे दो। पर जिनसू मौका देने से मना कर देता है और कहता है मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए ताकि हम दोनों अपनी फीलिंग्स का पता लगा सके कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। तो वही जिनसू के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है मुझे पता है पास्ट में मैंने बहुत सारी गलतियां की है और तुम्हें बहुत इंतजार भी करवाया है, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दो, आज मुझे पता चला कि तुम्हें पास्ट में कैसा लगता होगा जब मैं तुम्हें इंतजार करवाती थी और तुम्हें टेंड्रम दिखाती थी, प्लीज मुझे उन सब के लिए माफ कर दो। तो जिनसू कहता है प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो वही कहती है ठीक है तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम उतना ले लो, लेकिन ये बात याद रखना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। आगे वही जिनसू के रूम से बाहर निकलती है तो वो रिपोर्टर उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है और फोटो क्लिक करके वो फिर से बेहोश हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही नशे में होता है। इधर साओ बहुत ही सैड होती है तो मैंग साओ से पूछती है कि आखिरकार क्या बात है, वो इतनी रात को उसके घर आ गई, और जिनसू के बीच सब कुछ ठीक है ना। तो साओ कहती है हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, वैसे भी मैं उसकी फेक वाइफ हूँ, वो भी 3 महीने के लिए, जैसे ये 3 महीना कंप्लीट होगा वो अपने रास्ते चला जाएगा और मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी, फिर हम दोनों का कोई वास्ता नहीं होगा। तो मैंग को साओ की बातें बहुत ही अजीब लगती है और उसे पूरा यकीन होता है कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ जरूर हुआ है और वो साओ से जोर देकर पूछती भी है पर साओ उसे कुछ भी नहीं बताती। आगे जिनसू घर आता है और वो साओ को ढूंढता है पर साओ घर में नहीं होती। तो जिनसू पूरी तरह परेशान हो जाता है कि आखिरकार साओ कहाँ पर गई है। तो जिनसू साओ को कॉल करता है तो साओ का फोन मैंग उठाती है। तो मैंग जिनसू को बताती है कि साओ अभी अभी उसके घर में थी पर अभी अभी वो बाहर चली गई है। तो जिनसू साओ को ढूंढने के लिए मैंग के घर की तरफ जाता है तो उसे रास्ते में ही साओ दिख जाती है। तो जिनसू बस को रोककर साओ को ढूंढने के लिए जाता है पर साओ दूसरे रास्ते से निकल जाती है और जिनसू साओ से नहीं मिल पाता। तो जिनसू हर जगह साओ को ढूंढने की कोशिश करता है, उसे कॉल भी करता है पर साओ उसे कोई भी रिस्पांस नहीं देती। तो बेचारा जिनसू पूरी तरह पगला जाता है और थक हार कर घर वापस आ जाता है कि तभी वहाँ पर वही आ जाती है और जिनसू के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती है। तो जिनसू कहता है क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि हम दोनों को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए और एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना चाहिए। तो वही कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे दूरी बनाकर कैसे रख सकती हूँ, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते। तो जिनसू कहता है मैं अभी बहुत ही कंफ्यूज्ड हूँ। इधर साओ पूरी रात गवाकर लेट से घर आती है ताकि जिनसू सो जाए और उन दोनों का सामना ना हो, पर साओ का ये प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है क्योंकि उसकी
मुलाकात जिंसू से हो जाती है। तो जिंसू साओ से पूछता है, तुम इतनी देर से कहाँ थी? तो साओ कहती है, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं बाहर थी। तो जिंसू कहता है, तुम वहाँ से भाग क्यों आई बिना कुछ कहे? तो साओ कहती है, मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए मैं वापस चली आई। तो जिंसू साओ को वो बटन दिखाता है जो बटन जिंसू को होटल रूम में मिला था, और जिंसू को शक था कि ये बटन साओ का ही है और उन दोनों के बीच ही उस रात कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। तो जिंसू वो बटन साओ को दिखाता है, तो साओ उस बटन को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो वही भी वो बटन देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और इस बात को कवर अप करने के लिए वो झूठ बोल देती है कि वो बटन उसका है, और वही जिंसू के सामने बहाना बनाकर उस बटन को कचरे के डब्बे में फेंक देती है। पर जिंसू को वही की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और उसे लगता है कि ये दोनों कोई ना कोई बात जरूर छुपा रहे हैं उससे। आगे साओ कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ, तुम दोनों बातें करो, और साओ अपने रूम में चली जाती है। आगे जिंसू वही को कहता है, तुम्हें भी अब घर जाना चाहिए, मैं भी बहुत थक गया हूँ, मैं भी आराम करना चाहता हूँ। तो वही जाने लगती है, पर जाने से पहले वही कहती है, जिंसू प्लीज मत बतलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। तो जिंसू कहता है, अगर फ्यूचर में हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहा लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपनी दोस्त बनाकर रखूंगा क्योंकि तुम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो। तो वही कहती है, आज मुझे पता चला कि एक दोस्त बने रहना कैसा होता है। जब भी मैं तुम्हें अपना दोस्त कहती थी लोगों के सामने तो तुम्हें कैसा लगता होगा, आज मुझे पता चला मैंने पास्ट में कितनी गलतियां की है और तुम्हें कितना हर्ट किया है जिसका अंदाजा भी मैं नहीं लगा सकती। तो साओ कहता है, ये सब मत सोचो, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तो बेचारी वही मायूस होकर घर वापस चली जाती है। आगे जिंसू साओ से बात करने की कोशिश करता है पर साओ उससे बात नहीं करती और उसे इग्नोर कर, क्योंकि उसे वही की कही हुई बात याद आती है कि वही ने उसे कहा था कि तुम्हें जिंसू से दूर रहना है, कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर वही को पता चल गया था कि साओ और जिंसू के बीच कुछ हुआ है। तो वही को बहुत ही गुस्सा आता है उन दोनों पर। तो वही कहती है, तुमने ही कहा था ना कि तुम दूसरों की चीजों को छीनने में बिलीव नहीं रखती, फिर तुम मेरे प्यार को कैसे छीन सकती हो, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। तो साओ कहती है, मुझे माफ कर दो, ये सब अनजाने में हो गया, जिंसू बहुत ही नशे में था और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं भी, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम दोनों के बीच कभी भी नहीं आऊंगी। तो वही कहती है, तुमने जो हरकत की है उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, इसलिए अब तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है, या तो शादी के 3 महीने कंप्लीट करके अपने पैसे पाओ या तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के जुर्म में जेल जाओ, अब तुम पर है कि तुम क्या करना चाहती हो। तो साओ कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से ऐसी हरकत नहीं करूंगी। तो वही कहती है ठीक है, लेकिन याद रखना इस बारे में तुम जिंसू को कुछ भी नहीं बताओगी, वैसे भी जिंसू को शराब पीने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता, उसे ये बात भी याद नहीं रहेगी, इसलिए ध्यान से ये बात जिंसू को मत बताना। तो साओ कहती है ठीक है, और साओ वहाँ से चली जाती है और यहीं पर पास्ट की स्टोरी खत्म होती है। यह अगली सुबह साओ जल्दी से तैयार होकर और जिंसू से छुपकर अपने काम पर जा ही रही होती है कि तभी जिंसू उसके सामने में आ जाता है और कहता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, आखिरकार माजरा क्या है? तो साओ कहती है, मैं तुम्हें इग्नोर क्यों करूंगी, वैसे भी मुझे काम पर जाना है इसलिए मैं जा रही हूँ। तो जिंसू कहता है, अभी तो तुम्हारे काम का टाइम नहीं हुआ है तो तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? तो साओ कहती है, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रही हूँ। तो जिंसू कहता है, पहले मेरे लिए नाश्ता बनाओ उसके बाद तुम जाना। तो बेचारी साओ को नाश्ता बनाने का मन तो नहीं होता पर उसे मजबूरन जिंसू के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। आगे जिंसू साओ से उस रात के बारे में पूछने की कोशिश करता है और पता लगाने की भी कोशिश करता है, पर साओ उसे उस रात के बारे में कुछ भी नहीं बताती और नाश्ता बनाकर वहाँ से चली जाती है। इधर वो रिपोर्टर ये न्यूज़ फ्लैश कर देता है कि वही का चक्कर जिंसू के साथ चल रहा है और ये न्यूज़ आग की तरह फैल जाती है। तो वही भी डिसाइड कर लेती है कि आज वो पूरी दुनिया के सामने ये एक्सेप्ट कर लेगी कि जिंसू उसका बॉयफ्रेंड है, क्योंकि उसकी आने वाली फिल्म आधी कंप्लीट हो गई है और कोई भी डायरेक्टर उसे आधी फिल्म से बाहर नहीं निकाल सकता, और अगर उसने ये बात सबको बता भी दी तो थोड़े दिन का ही स्कैंडल होगा, उसके बाद सब शांत हो जाएंगे। और वही यही बात सोचकर पूरे मीडिया को अपनी सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाती है, और वही साओ को भी वो कॉन्ट्रैक्ट लाने को कहती है ताकि वो पूरे मीडिया को ये दिखा सके कि उन दोनों की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। आगे वही जिंसू को भी कॉल करती है और उसे भी बताती है कि आज वो पूरे मीडिया के सामने ये बात ऐलान कर देगी कि उसका और जिंसू का चक्कर चल रहा है। तो जिंसू ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वही को कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अगर ये बात बाहर आई कि मैंने और साओ ने एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है तो तुम्हें पता है साओ के ऊपर क्या बीतेगी, उसे लोग क्या क्या कहेंगे और उसे किन सब चीजों से गुजरना पड़ेगा, क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है? तो वही कहती है, हाँ मुझे पता है उसे इन सब से गुजरना होगा, इसलिए तो मैंने साओ के लिए एक प्लान सोचा है, जैसे ही मैं ये सब रिवील करूंगी वैसे ही हम साओ को 3 महीने के लिए बाहर भेज देंगे और 3 महीने में ये न्यूज़ तो पूरी तरह दब जाएगी और उसके बाद साओ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो जिनसू को ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उन दोनों की वजह से साओ की मेज पर कोई भी आंच आए। इधर वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा ही रही होती है कि तभी उसे डायरेक्टर का कॉल आता है और डायरेक्टर उसे जल्दी से शूटिंग एरिया में बुलाते हैं। तो वही वहाँ पर जाती है तो उसे वहाँ पर जाकर पता चलता है कि डायरेक्टर उसे फिल्म से बाहर निकाल रहे हैं इस स्कैंडल की वजह से। तो वही उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है, मैंने बहुत मेहनत की है, प्लीज आप मुझे काम से मत निकालिए, मैंने यहाँ तक आने के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ सहा भी है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। पर डायरेक्टर उसकी एक भी नहीं सुनती, उल्टा उसे खूब खड़ी खोटी सुनाती है। इधर रोकी भी ये सब सुन रहा होता है तो उसे वही के लिए बहुत ही बुरा लगता है। आगे डायरेक्टर वही को कहती है, अगर तुम इस फिल्म में रहना चाहती हो तो तुम्हें पूरे मीडिया के सामने ये बात ऐलान करनी होगी कि तुम्हारा और जिंसू का कोई अफेयर नहीं चल रहा, तब मैं तुम्हें दोबारा वापस लेने के बारे में सोचूंगी। तो बेचारी वही ये सब सुनकर सदमे में पहुंच जाती है कि तभी वहां पर रोकी आता है और वही को अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर जाता है। इधर साओ और जिंसू भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते तो रिपोर्टर उसे बहुत ही गंदी गंदी और अजीब तरह की सवाले पूछने लगते हैं कि क्या सच में उसका जिंसू के साथ चक्कर चल रहा है, क्या वो सच में जिंसू की मिस्ट्रेस है और बहुत सारे घटिया सवाल पूछने लगते हैं। तो रोकी वही की इज्जत को बचाने के लिए सबके सामने ये ऐलान कर देता है कि वही और वो रिलेशनशिप में है और वही उस रात उसके कमरे में आई थी और ये फोटो तभी की ही है और उन दोनों का अफेयर चल रहा है। तो सारे रिपोर्टर ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और वही भी अपने दिल पर पत्थर रखकर ये बात कबूल कर लेती है कि उस रात वो रोकी के साथ ही थी। वेल वही के लिए अपना करियर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, प्यार से भी ज्यादा। तो रोकी सबके सामने वही को किस कर लेता है तो जिंसू ये सब सुनकर तो सदमे में ही आ जाता है। आगे वो रिपोर्टर फिर भी वही का पीछा नहीं छोड़ता और कहता है, अगर आप दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है तो फिर आप दोनों चोरी छुपे एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। तो वही के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता कि तभी जिंसू प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में टपक पड़ता है और सबको ये बताता है कि वही उससे इसलिए मिलने आई थी ताकि वो उसके घर को फिर से डिजाइन कर सके और एक कपल होम बना सके और वही इसी सिलसिले में उससे मिलने के लिए आई थी। तो सारे रिपोर्टर का मुंह बंद हो जाता है और जिंसू दिल पर पत्थर रखकर उन दोनों को बधाइयां देकर वहां से चला जाता है। आगे साओ जिंसू के पास जाती है और कहती है, तुम ठीक हो ना? तो जिंसू कहता है, मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूं। तो साओ कहती है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, मुझे पता है तुम्हें भी बहुत बुरा लगा है, मुझे भी वही पर बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? तो जिंसू साओ के सामने एकदम नॉर्मल बात करता है और कहता है, मुझे काम पर जाना होगा और तुम्हें भी, और जिंसू काम पर चला जाता है। आगे जिंसू के ऑफिस में सारे लोग वही के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और बहुत सारी गॉसिप कर रहे होते हैं वही को लेकर। तो जिंसू को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो अपना सारा गुस्सा मन ही मन में पी रहा होता है। इधर साओ भी जिंसू के गुस्से को देख रही होती है तो साओ जिंसू को चेयरअप करने के लिए नई नई टेक्निक अपनाती है और जिंसू को शांत करने की कोशिश करती है। तो जिंसू जैसे ही साओ के एफर्ट्स को देखता है तो वो शांत हो जाता है और साओ को ही देखता रह जाता है। इधर वही को अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि वो इस बार भी अपने प्यार को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाई कि तभी वहाँ पर रोकी आता है। वही को कहता है, आखिरकार क्या बात है, मुझे इतना तो पता चल गया है कि तुम्हारे और जिंसू के बीच कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है, लेकिन अब तुम्हें सोचना चाहिए, जिंसू शादीशुदा है, तुम उसके पास दोबारा वापस नहीं जा सकती। तो वही कहती है, हाँ मैं जिंसू से प्यार करती हूँ लेकिन मैं ये बात पूरे मीडिया के सामने कबूल नहीं कर सकती और जिस बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है प्लीज उस बारे में कुछ मत बोलो। और बेचारी वही सैड होकर वहाँ से चली जाती है। तो रोकी को भी वही के लिए बहुत बुरा लगता है कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर जेनी रोकी को छोड़कर जा रही होती है। तो रोकी उसे रोक रहा होता और है और कहता है, तुम उस इंसान के पास जा रही हो जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तुम मुझे छोड़कर उस शादीशुदा इंसान के पास जा रही हो। तो जेनी कहती है, मैं तुम जैसे इंसान के साथ रहकर क्या करूं जिस इंसान के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, और मैं जिस इंसान के पास जा रही हूँ उस इंसान के पास कम से कम मेरे लिए टाइम तो है, वो मेरी केयर तो करता है। और जेनी रोकी का दिल तोड़ के वहाँ से चली जाती है। आगे साओ जिंसू को चेयरअप करने की कोशिश करती है और कहती है, तुम्हारे दिल के अंदर जो भी भरा पड़ा है उसे बाहर निकालो, अगर तुम अपने दिल से अपनी सारी तकलीफों को बाहर नहीं निकालोगे तो तुम अच्छे से नहीं जी पाओगे। आगे जिंसू डिसाइड कर लेता है कि वो वही को लेकर गिव अप कर देगा और अपनी लाइफ में मूव ऑन करेगा। तो साओ जिंसू को समझाने की कोशिश करती है कि वो वही से इतना प्यार करता है, वो इस तरह उस पर से गिव अप नहीं कर सकता। तो जिंसू कहता है, मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया पर उसने हमेशा मुझसे झूठ कहा, अब मैं और इस रिश्ते में नहीं रह सकता, मुझे मूव ऑन करना ही होगा। तो साओ कहती है, क्या तुम श्योर हो कि तुम ये करना चाहते हो? तो जिंसू कहता है, हाँ मैं श्योर हूँ।
हूँ। आगे वो दोनों साथ में ढेर सारी मस्ती करते हैं और एक दूसरे को चिढ़ाने का काम भी करते हैं। आगे साव और जिंसू घर जा रहे होते हैं कि तभी उधर से साव का मकान मालिक आता है और साव को कहता है, तुम्हारे नाम पर कुछ लेटर्स आए थे, वही मैं तुम्हें देने आया हूँ। और वो मकान मालिक साव को ढेर सारे लेटर्स देकर वहाँ से चला जाता है। आगे साव जब उन लेटर्स को देखती है तो उसमें से एक लेटर रेन के नाम का होता है और रेन ने साव के नाम पर कुछ प्रॉपर्टी की होती है। तो साव को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो रेन से मिलने के लिए होटल जाती है। तो जिंसू भी उसके साथ जाता है। तो साव कहती है, तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं उसे अकेले ही डील कर लेती। तो जिंसू कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले आने कैसे दे सकता था, अगर उसने तुम्हें तंग किया तो? तो साव कहती है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरह ट्रीट कर रहे हो। और साव ये कहकर रेन के पास जाती है और रेन को वो कागजात देती है और कहती है, मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, इसलिए आइंदा से ऐसी कोई भी हरकत करने की कोशिश मत करना। तो रेन कहता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है और ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि मैंने ये घर तुम्हारे नाम पर लिया था, इसलिए मैंने ये तुम्हें दे दिया। तो साव कहती है, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मैं ये नहीं ले सकती, मैंने तुम्हें सच में प्यार किया था और तुम इस तरह अपने प्यार का हिसाब चुका रहे हो, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। कि तभी वहाँ पर जिंसू भी बीच में टपक पड़ता है और कहता है, साव को कुछ भी नहीं चाहिए, उसका पति है, उसे सब कुछ देने के लिए, इसलिए अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखो। और यहाँ पर इन दोनों में कोल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। तो साव जिंसू को कहती है, मैं अपना मैटर खुद सुलझाना चाहती हूँ। तो जिंसू कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ, अपना ये मामला सुलझा कर नीचे आ जाना। और जिंसू ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे रेन साव को कहता है, जेनी से प्यार नहीं करता, 3 महीने पहले हम दोनों एक पार्टी में एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, जिस वजह से जेनी प्रेग्नेंट हो गई, इसलिए मुझे उसके साथ रहना पड़ रहा है। तो साव कहती है, तुम कैसे इंसान हो, अगर मैं अपने और जेनी के प्यार को कंपेयर करूँ ना, तो जेनी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसके सामने मेरा प्यार तो बहुत ही छोटा सा है। वो तुम्हें खुशियाँ देने के लिए अपने बच्चे तक को गिरा रही थी ताकि तुम अपने प्यार के पास वापस चले जाओ। जेनी तुमसे बहुत प्यार करती है, प्लीज उसका ख्याल रखो, उसकी परवाह करो और अपने आने वाले बच्चे की भी। अगर तुम जेनी को अच्छे से संभाल नहीं पाए और उसे प्यार नहीं दे पाए तो पूरी जिंदगी पछताते रहोगे। वो लड़की तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए प्लीज अपने पास्ट को पीछे छोड़कर अपने फ्यूचर में आगे बढ़ो और मेरी तरफ से निश्चिंत हो जाओ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ और मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया है। तो रेन ये सब सुनकर इमोशनल हो जाता है। इधर जिंसू जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक नागिन की एंट्री होती है जो जिंसू पर डोरे डाल रही होती है और उसके साथ चिपक चिपक कर बातें कर रही होती है कि तभी वहाँ पर साव आ जाती है और वो ये सब देख लेती है। तो वो उस नागिन को अपने पति के पास से हटाती है और कहती है, मेरे पति से दूर रहो और मेरे पति पर डोरे डालने के बारे में तो सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। और यहाँ पर दोनों में तू-तू मैं-मैं हो जाती है। तो जिंसू ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है कि साव उसके लिए स्टैंड ले रही है। आगे वो नागिन मात खाकर उल्टे पैर ही वहाँ से वापस चली जाती है। तो जिंसू कहता है, तुम मेरे लिए स्टैंड ले रही हो, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें जलन हो रही थी उसे मेरे पास देखकर। तो साव कहती है, पतिदेव इतनी भी गलतफहमी में मत रहिए, हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट के आर्टिकल नंबर 4 में ये लिखा हुआ है कि हम दोनों को पब्लिक के सामने एक दूसरे की इमेज बनाकर रखनी है, इसलिए मैंने ये सब किया है, ज्यादा हवा में मत उड़ो। तो जिंसू कहता है, जो भी हो पर तुम्हें जलन तो हुई ना। और यहाँ पर दोनों में नोकझोंक होने लगती है। आगे रेन जेनी के पास जाता है और कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया ना। और आगे रेन जेनी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तो जेनी ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो रेन कहता है, मैं तुम्हारे और अपने होने वाले बच्चे के लिए वो सब करूंगा जो तुम लोगों के लिए बेस्ट होगा और मैं तुम लोगों को कभी भी किसी भी तकलीफ का सामना करने नहीं दूंगा। तो जेनी ये सब सुनकर खुश हो जाती है। अगले दिन साव अपने काम पर जाती है तो वहाँ के सारे स्टाफ अपने सुपरवाइजर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि सुपरवाइजर एक नंबर की कमीनी और चुड़ैल है, वो बिना मतलब हमें डांटती रहती है और हमसे बहुत सारा काम करवाती है। तो साव ये सब सुनकर हैरान होती है कि आखिरकार हमारी सुपरवाइजर ऐसी कौन है जो इतनी बड़ी कमीनी है। आगे मैनेजर सारे स्टाफ को बुलवाते हैं ताकि वो लोग सुपरवाइजर से सारे स्टाफ को इंट्रोड्यूस करवा सके कि तभी उस नागिन की एंट्री होती है। तो साव जैसे ही उस नागिन को देखती है उसके तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं क्योंकि कल उसकी जिंसू को लेकर उस नागिन से जमकर लड़ाई हुई थी। तो बेचारी साव पूरी तरह डरी रहती है कि कहीं ये नागिन अपना खुन्नस उस पे ना निकाल दे। आगे वो नागिन सारे स्टाफ से बहुत ही रूडली बात करती है और सबको काम से निकालने की भी बात करती है। तो साव ये सब देखकर पूरी तरह परेशान हो जाती है। तो वो उस नागिन को साइड में ले जाकर कहती है, मुझे पता है कल हम दोनों की जमकर लड़ाई हुई, लेकिन तुम पर्सनल मैटर को प्रोफेशनल मैटर में मत मिक्स करो। तो नागिन अपना पर्सनल खुन्नस साव पर निकालती है और उसे काम से निकालने की भी धमकी देती है।
तो बेचारी साओ उस नागिन के सामने कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि उसके हाथ में कोई पावर नहीं होता जिससे वो उस नागिन से लड़ सके। तो वो नागिन साओ को और नीचा दिखाने के लिए उसे धमकी भी देती है कि वो उसके साथ उन सारे वर्कर्स को भी काम से निकाल देगी जो उसके साथ काम करते थे। तो साओ ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो उस नागिन के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है, अगर तुम उन लोगों से उनका काम छीन लोगी तो वो लोग कैसे जिएंगे? उनका घर इसी जॉब की वजह से चलता है, अगर उनके पास जॉब नहीं रहेगी तो वो क्या खाएंगे और अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? प्लीज ऐसा मत करो। तो वो नागिन कहती है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मेरे पैर पड़ के मुझसे माफी मांगो, तब मैं उन लोगों की जॉब को बख्श दूंगी। तो साओ उन वर्कर्स के खातिर अपने प्राइड को रोंद कर उस नागिन के सामने माफी मांगती है। तो नागिन कहती है, ठीक है, मैं उन सारे वर्कर्स की जॉब नहीं छीनूंगी लेकिन तुम्हें मैं काम से निकाल के रहूंगी, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ, मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया है। तो बेचारी साओ मायूस होकर वहाँ से जाने लगती है। तो सारे वर्कर्स को साओ के लिए बहुत बुरा लगता है और मैंग को भी। तो मैंग ब्रेन को कॉल करती है और उसे कहती है कि प्लीज वो साओ की हेल्प करे। इधर साओ बहुत ही अपसेट होती है और अपना सारा सामान पैक कर रही होती है कि तभी उसे जिंसू का कॉल आता है। तो जिंसू साओ से बहुत ही अच्छे से बात करता है पर साओ बहुत ही रुखी और बुझी तरह बात करती है। तो जिंसू कहता है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? तो साओ पहले तो बताना नहीं चाहती थी पर जिंसू के इंसिस्ट करने पर वो जिंसू को बता देती है। तो जिंसू साओ को चेयरअप करता है और कहता है, अगर तुम्हारा मूड ठीक है तो तुम्हें कुछ मीठा खाना चाहिए। और जिंसू साओ को एक रेस्टोरेंट जाने को कहता है। तो साओ कहती है, ठीक है, मैं वहाँ चली जाऊंगी। आगे रेन उस नागिन को सबक सिखाने के लिए और साओ को होटल में वापस लाने के लिए एक प्लान बनाता है और रेन उस होटल में जाता है और उस नागिन को कहता है, मैं यहीं से अपनी शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ का डेकोरेशन, खाना सब कुछ अच्छा हो और मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरी शादी का सारा खाना साओ बनाए क्योंकि मुझे उसका खाना बहुत ही पसंद है। तो नागिन कहती है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता, हमने साओ को काम से निकाल दिया है। तो रेन कहता है, मैं इस होटल का रेगुलर कस्टमर हूँ, अगर मेरी शादी में साओ खाना नहीं बनाएगी तो मैं यहाँ से अपना डील कैंसिल कर लूंगा और दूसरे होटल में जाकर बात करूंगा। तो उस नागिन को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम दूसरे होटल जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तो रेन का प्लान उल्टा उसी पर पड़ने लगता है कि तभी वहाँ पर वो मैनेजर आ जाता है और रेन को कहता है, प्लीज सर एक मिनट रुकिए, मैं अभी इससे बात करके आता हूँ, प्लीज आप कहीं जाइएगा मत। आगे वो मैनेजर उस नागिन को खूब डांटता है और कहता है, तुम क्या पागल हो गई हो, तुम इतना बड़ा ऑर्डर हमारे हाथ से कैसे जाने दे सकती हो? तुम्हें पता है अगर ये ऑर्डर हमारे हाथ से चला गया तो हमें कितना बड़ा नुकसान होगा और हमारे होटल के रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी। अगर वो चाहते हैं कि साओ उनकी शादी में खाना बनाए तो साओ ही शादी में खाना बनाएगी, इसलिए साओ को दोबारा वापस ले लो। और वो मैनेजर उस नागिन को इस तरह डराता है कि वो नागिन भीगी बिल्ली बन जाती है और साओ को दोबारा वापस लेने के लिए मान जाती है। आगे वो मैनेजर रेन को कहता है, टेंशन मत लीजिए, आपकी शादी में साओ ही खाना बनाएगी और आपकी शादी में हम कोई भी कमी होने नहीं देंगे। तो रेन और मैंगी सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उन दोनों की प्लानिंग काम कर जाती है। दूसरी तरफ साओ जिंसू के बताए हुए रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाती है तो उसे वहाँ का खाना बहुत ही अच्छा लगता है और वो उसे खाकर बहुत ही रिलैक्स फील करती है कि तभी उसे मैंग का कॉल आता है और मैंग साओ को पूरी बात बताती है। तो साओ ये सुनकर बहुत खुश होती है कि उसकी जॉब उसे वापस मिल गई है। इधर रेन भी साओ से मिलने के लिए उसी रेस्टोरेंट में आता है पर साओ वहाँ पर नहीं रहती तो वो परेशान हो जाता है। तो वो साओ को हर जगह ढूंढने के लिए जाता है तो उसे रास्ते में साओ मिल जाती है। तो जिंसू कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कहा था ना रेस्टोरेंट में रुकने के लिए, क्या तुम मेरा वहाँ पर इंतजार नहीं कर सकती? मुझे पता है तुम बहुत ही परेशान हो लेकिन क्या तुम एक बार भी मेरी बात नहीं मान सकती? आगे साओ जिंसू को बताती है कि उसकी नौकरी उसे वापस मिल गई है और वो अभी मार्केट जा रही है कुछ सामान खरीदने के लिए ताकि वो उस खाने को बनाकर प्रैक्टिस कर सके और रेन की शादी में अच्छा खाना बना सके। तो जिंसू ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ सामान खरीदने के लिए जाऊंगा। तो साओ कहती है, तुम वहाँ पर क्या करोगे, तुम्हें काम पर जाना चाहिए। तो जिंसू साओ को कहता है, अगर तुम मुझे वहाँ पर नहीं ले गई तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, वहाँ पर कितना सामान तुम खरीदोगी और उस सामान का वजन क्या तुम ले उठा पाओगी, इसलिए तो तुम्हें मेरे जैसे हट्टे कट्टे आदमी को अपने साथ ले जाना चाहिए ताकि वो तुम्हारा सामान उठा सके। और जिंसू साओ को इस तरह इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि साओ भी ये सब सुनकर हंसने लगती है। आगे वो दोनों साथ में जाते हैं मार्केट सामान खरीदने के लिए। तो वो लोग वहाँ पर सामान खरीदते खरीदते ढेर सारी मस्ती करते हैं और जिंसू और साओ एक दूसरे के बहुत करीब भी आ जाते हैं इन सब चक्कर में। आगे साओ ढेर सारा खाना बनाती है और जिंसू को कहती है टेस्ट करने के लिए। तो जिंसू पहले तो साओ के खाने में ढेर सारी बुराइयां निकालता है साओ को टीज करने के लिए, लेकिन बाद में कहता है, तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। आगे वहाँ पर मैंग भी आ जाती है खाना टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंग और जिंसू में जमकर लड़ाई होती है खाने को लेकर और साओ ये देखकर बहुत खुश होती है।
आगे मैंग को याद आता है कि वो जिस काम से साव से मिलने के लिए आई थी उसने तो वो काम किया ही नहीं। और मैंग अपने बैग से वो शर्ट निकालती है और जिंसू को कहती है प्लीज इसे साव को दे देना। तो जिंसू जैसे ही उस शर्ट के बटन को देखता है तो उसे याद आता है कि ये तो वही बटन है जो उसे उस दिन होटल में मिला था। तो जिंसू सीधा रूम में जाता है और उस बटन को मिलाता है तो दोनों बटन सेम होती है। तो जिंसू को डाउट होने लगता है कि उस दिन उस होटल में साव ही उसके साथ थी ना कि वही। दूसरी तरफ साव और मैंग बच्चे के बारे में बात कर रहे होते हैं तो जिंसू को यहाँ पर गलत फहमी हो जाती है कि साव प्रेग्नेंट है और उस रात उन दोनों के बीच जो भी हुआ था उसी वजह से साव प्रेग्नेंट हो गई है। तो जिंसू ये सब सुनकर तो पूरी तरह बौखला ही जाता है और उसे बिलीव नहीं होता कि साव सच में प्रेग्नेंट है। वही शूटिंग कर रही होती है तो उसका सीन ये होता है कि मेन लीड उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है तो वही ये सीन अच्छे से नहीं कर पाती क्योंकि उसका ट्रोमा जो होता है उसे ये सीन करने के लिए नहीं दे रहा होता है। एक्चुअली वही का एक पास्ट होता है। वही जब जिंसू से मिलने के लिए आई थी तो उसके दोस्त ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी लेकिन सही टाइम पर आकर जिंसू ने उसे बचा लिया था। लेकिन वही के दिमाग से ये ट्रोमा अभी तक नहीं गया होता है जिस वजह से वो ये सीन अच्छे से नहीं कर पा रही होती है तो डायरेक्टर उसे खूब डांटती है। तो रोकी को कुछ अजीब लगता है कि वही इस सीन में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही। आगे वो लोग फिर से वही सीन करते हैं तो वही फिर से पैनिक करने लगती है। तो रोकी इस बार वही को संभालता है और उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा प्लीज शांत हो जाओ। तो वही रोकी की आंखों में जिस तरह देखती है वो शांत हो जाती है और वो दोनों अच्छे से ये सीन कर पाते हैं। तो डायरेक्टर उन दोनों के सीन को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और डायरेक्टर रोकी को कहती है तुमने बहुत ही अच्छा किया मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना अच्छा सीन कर पाओगे। आगे वही भी रोकी को थैंक्स कहती है और कहती है तुम्हारी वजह से मैं ये सीन अच्छे से कर पाई थैंक यू सो मच। आगे वही फिर से जिंसू के घर जाती है और उसे कॉल करती है पर वही जिंसू के घर के अंदर नहीं जा पाती क्योंकि उसे लगता है कि कोई नजर रखे हुआ है। तो वो जिंसू को कॉल करती है। पहले तो जिंसू कॉल नहीं उठाता लेकिन बाद में उसे उठाना ही पड़ता है। तो वही जिंसू को मनाने की कोशिश करती है तो जिंसू कहता है तुम कितनी बार मुझसे झूठ कहोगी तुमने मुझसे झूठ कहना कि होटल में उस रात तुम नहीं थी ना साव थी ना। तो वही कहती है ये बात तुम्हें किसने बताई साव ने बताई है ना। तो जिंसू कहता है मुझे किसी ने भी नहीं बताई मुझे पता चल गई और मुझे पता चल गया कि तुमने मुझसे झूठ बोला मैं तुम जैसी झूठी लड़की पर अब दोबारा कभी भी भरोसा नहीं करूंगा। तो वही जिंसू को समझाने की कोशिश करती है और उसे ये भी कहती है कि मुझे लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तो जिंसू कहता है ये भी तुम्हारा नाटक ही होगा मुझे अपने पास रखने का है ना मैं तुम्हारी अब किसी भी बातों पर भरोसा नहीं करूंगा और जिंसू कॉल कट कर देता है। इधर जिंसू साव का पीछा करता है ताकि वो ये पता लगा सके कि साव सच में प्रेग्नेंट है कि नहीं। तो वो देखता है कि साव हर जगह प्रेगनेंसी वाला ही सामान खरीद रही है पर जिंसू को बिलीव नहीं होता। लेकिन जब साव हॉस्पिटल जाती है तो जिंसू को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि साव उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। पर यहाँ की स्टोरी तो कुछ और ही होती है। एक्चुअली साव रीना से मिलने के लिए गई होती है क्योंकि रीना की तबीयत बहुत ही खराब होती है और ये सब उसकी और रेन की वजह से होती है। एक्चुअली रीना उन दोनों को एक साथ देख लेती है और उसे लगता है वो दोनों अभी भी रिलेशनशिप में है इसलिए वो दोनों छुप छुपा कर मिल रहे हैं उससे और वो दोनों उसे धोखा भी दे रहे हैं। और रीना इसी बात को लेकर रेन से लड़ाई भी करती है। तो रेन रीना को समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर अपनी शादी को लेकर बात करने के लिए आया था पर रीना उसकी बात पर भरोसा नहीं करती जिस वजह से रीना की तबीयत खराब हो जाती है और साव रीना की प्रेगनेंसी के लिए ही प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाती है। पर जिंसू को गलत फहमी हो जाती है कि साव अपनी प्रेगनेंसी की प्रार्थना करने के लिए मंदिर आई है। आगे साव नर्स को ढेर सारा प्रेगनेंसी वाला सामान देती है और कहती है कि वो रीना तक ये पहुंचा दे। तो वो नर्स कहती है तुम ये सामान खुद रीना को दे दो ना। तो साव कहती है मुझे नहीं लगता कि रीना मुझसे मिलना चाहती होगी इसलिए प्लीज आप उसे दे दीजिएगा कि तभी वहाँ पर रीना आ जाती है और रीना की गलत फहमी दूर हो जाती है। आगे साव रीना को पूरी बात बता देती है। तो रीना कहती है मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हें गलत समझा लेकिन मैं क्या करूं मैं भी अपनी आदत से मजबूर जब मैंने तुम दोनों को इतने करीब देखा तो मुझे लगा कि तुम दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ गए हो और तुम दोनों मुझे बेवकूफ बना रहे हो प्लीज मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा ना। तो साव कहती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही सोचती प्लीज इसलिए माफी मत मांगो और अपनी सेहत का ख्याल रखो और जल्दी से ठीक हो जाओ तुम्हें शादी भी तो करनी है रेन के साथ। आगे जिंसू ये बात हजम ही नहीं कर पा रहा होता है कि वो बाप बनने वाला है लेकिन धीरे धीरे उसे भी खुशी होने लगती है और वो अपने बच्चे के साथ सपने देखने लगता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ एक पागल फैन वही पर हमला कर देता है कि तभी बीच में रोकी आ जाती है और वही की जान बच जाती है पर उसे काफी चोट लगती है। आगे वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं।
तो वही को जैसे ही होश आता है तो वो डिस्चार्ज होने की बात करती है। तो रोकी कहता है, तुम ऐसी हालत में कहाँ जाओगी, तुम्हारा हॉस्पिटल में ही रहना ठीक होगा, इसलिए चुपचाप यहीं पर रहो। तो वही उतने सारे वर्कर्स के सामने कुछ भी नहीं कह पाती, क्योंकि अगर वो कुछ भी कहेगी तो उसके ही इमेज पर बात बनेगी। तो वही चुपचाप वहीं पर सो जाती है। इधर जिंसू साव का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है और उसे पैम्पर करता है, और जिंसू बातों ही बातों साव को हिंट देता है ताकि साव उसे बता दे कि वो प्रेग्नेंट है। पर साव को ये सब बहुत ही अजीब लगता है, उसे लगता है कि जिंसू को उसे फिकर हो रही है, इसलिए साव ये सब उसके लिए कर रहा है। साव ये सब देखकर तो बहुत खुश होती है और वो बहुत ही मजे से जिंसू से काम करवाती है, अपना पैर दबवाती है और बहुत मजे करती है। और जिंसू बच्चे की लालच में साव के सारे नखरे उठाता है और उसे अच्छे से पैम्पर करता है। इधर हॉस्पिटल में सारे लोग सो जाते हैं, तो वही इसी मौके का फायदा उठाकर हॉस्पिटल से भाग जाती है जिंसू से मिलने के लिए, और जिंसू से मिलने के लिए उसके खिड़की के बाहर जिंसू को बुलाती है। तो जिंसू वही को अपने घर के बाहर देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वही को कहता है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, अगर किसी रिपोर्टर ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं अब तुमसे कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहता, इसलिए प्लीज मेरी लाइफ में और प्रॉब्लम खड़ी मत करो। कि तभी वहाँ पर साव आ जाती है, तो जिंसू वही से साव को छुपाने की कोशिश करता है ताकि साव को कोई गलत फहमी ना हो। पर साव को पता चल जाता है, आगे उन लोगों को पता चल जाता है कि वही को चोट लगी है। तो जिंसू को बहुत ही बुरा लगता है और वो कहता है, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब थी तो तुम यहाँ पर क्यों आई, तुम्हें हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए ना और अपना ख्याल रखना चाहिए। तो वही कहती है, मुझे हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे तुम्हारे पास आना था, मुझे तुम्हारे पास ही सुकून मिलता है। और वही जिंसू को इमोशनली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है, तो जिंसू को भी बुरा लगने लगता है और साव को भी उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत बुरा लगता है। पर वो प्रिटेंड नहीं करती, क्योंकि उसे पता होता है कि जिंसू उसका नहीं है बल्कि वही का प्यार है, इसलिए वो उन दोनों के बीच में नहीं आती। पर जिंसू को बहुत बुरा लग रहा होता है साव के लिए, और बेचारा उन दो लड़कियों के बीच में पिस रहा होता है। वही को वो अपनी एक अच्छी दोस्त मानता है और वो उसे मुसीबत में भी नहीं छोड़ सकता, वो साव को भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और उसके दिल में साव के लिए फीलिंग्स है, जिस वजह से जिंसू उन दोनों औरतों के बीच में पिस रहा होता है। अगली सुबह जिंसू की मॉम समंथा की एंट्री होती है, तो समंथा जैसे ही घर के अंदर आती है तो वो साव को एक नौकरानी समझ लेती है और उसे एक नौकरानी की तरह ट्रीट करती है। और समंथा अपने बेटे से मिलने के लिए ऊपर चली जाती है। इधर साव को जब याद आता है कि जिंसू को तो साफ सफाई बहुत पसंद है, लेकिन वो औरत तो जूते पहनकर ही ऊपर चली गई है, तो साव जल्दी से ऊपर जाती है और समंथा के पैर से जूते निकालने लगती है। तो समंथा कहती है, ए नौकरानी तुम ये क्या कर रही हो। तो जिंसू कहता है, मॉम आप ये क्या कह रही हैं, ये मेरी वाइफ है। तो समंथा का ये सुनकर तो होश ही उड़ जाता है और वो कहती है, मुझे लगा वही तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारे टेस्ट को क्या हो गया, तुमने ऐसी लड़की से शादी कैसे कर ली। और समंथा वही को धक्का देने लगती है। तो जिंसू कहता है, मॉम ध्यान से, साव प्रेग्नेंट है। तो समंथा साव और वही जैसे ये सुनते हैं तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। आगे साव इस बात पर बहुत हंसती है और जिंसू को कहती है, तुम्हें किसने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। तो जिंसू कहता है, मैंने तुम्हारी और मैंग की बातें सुनी थी, तुम लोग बच्चे के बारे में बात कर रहे थे और तुम मंदिर भी तो गई थी बच्चे के लिए दुआ करने के लिए। तो साव कहती है, मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ और मैं मंदिर गई थी जैनी के बच्चे के लिए दुआ करने के लिए, उसकी जान खतरे में थी इसलिए मैं वहाँ पर दुआ करने गई थी, ना कि अपने बच्चे के लिए। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो जिंसू कहता है, मुझे पता है उस रात हम दोनों के बीच कुछ ना कुछ जरूर हुआ है और तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि उस दिन हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। तो साव ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर साव और जिंसू एक दूसरे के करीब होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं कि तभी साव को होश आ जाता है कि आखिरकार वो क्या कर रही है, जिंसू किसी और का प्यार है और वो किसी और के प्यार को कैसे छीन सकती है। और साव यही सोचकर जिंसू को अपने आप से दूर कर लेती है और वही को कॉल करके होटल बुलाती है। और यहीं पर ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और फाइनली हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। पर ये बात साव जिंसू को नहीं बताती और कहती है, तुम बहुत ज्यादा ही सोच रहे हो, हम दोनों के बीच उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था और मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो किसी और के प्यार को अपना बना ले। तो जिंसू कहता है, तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि तुम्हारे अंदर मेरे लेकर फीलिंग्स है, मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो और तुम्हारे अंदर भी मेरे लेकर फीलिंग्स है। अगर तुम्हारे अंदर मेरे लेकर फीलिंग्स है तो तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करती, तुम क्यों चीजों से भाग रही हो। तो साव कहती है, तुम्हें गलत फहमी हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं किसी और के प्यार को छीनने में बिलीव नहीं करती, जो चीज मेरी नहीं है मैं उसे कभी भी अपना बनाने के बारे में नहीं सोचती। और साव ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर समंथा उन दोनों को देख रही होती है तो वो वही से पूछती है, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, जिंसू ने ऐसी लड़की से शादी क्यों की। तो वही समंथा को पूरी बात बताती है। तो समंथा ये सब सुनकर तो शॉक्ड हो जाती है।
तो वही कहती है, आंटी प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं जिंसू से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे खोना नहीं चाहती, लेकिन वो मुझसे दूर जा रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो समंथा कहती है, मैं यहाँ आ गई हूँ ना, मैं अब सब ठीक कर दूंगी, मैं अपने बेटे के लाइफ से उस लड़की को बाहर निकाल के ही रहूंगी। इधर एक नए बंदे की एंट्री होती है जो होटल का सीईओ होता है और उसका नाम डैनियल रहता है। एक्चुअली डैनियल साओ को बचपन से जानता है। इन दोनों की भी एक स्टोरी होती है जो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। आगे समंथा अपने दो नमूने के साथ होटल जाती है ताकि वो साओ को जिंसू की लाइफ से बाहर निकाल सके, और समंथा साओ को उन दो बंदों के साथ हॉलीडे पर जाने को कहती है। तो साओ कहती है, क्या हम तीनों ही जाएंगे हॉलीडे पर? हमें जिंसू को भी साथ लेकर चलना चाहिए, वो बहुत खुश हो जाएगा हॉलीडे के नाम पर। समंथा कहती है, वहाँ पर जिंसू जाकर क्या करेगा, वहाँ तुम जाओ इन दो बंदों के साथ और बहुत सारी मजे करना। तो साओ को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, क्या आपको पता है जिंसू आपसे कितना प्यार करता है, वो आपके प्यार के लिए तरस रहा है। आपने बचपन में भी उसे गैरों की तरह ट्रीट किया, ना ही उसे टाइम दिया और ना ही अपना प्यार दिया, जिस वजह से वो आज तक अपने माँ के प्यार के लिए तरस रहा है। जब उसका बर्थडे था और आपने उसे प्रॉमिस किया था कि आप उसके लिए केक बनाएंगी, लेकिन आप उसके बर्थडे पर आई ही नहीं और सारे फ्रेंड्स के सामने जिंसू को शर्मिंदा होना पड़ा। आपको पता है जिंसू पर क्या बीती होगी, क्या आप सच में अपने बेटे से प्यार नहीं करती? तो समंथा कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरे बेटे के बीच में आने की, मैं उसके साथ जो भी करूं इससे तुम्हारा क्या लेना देना। और यहाँ पर दोनों में गर्मा गर्मी हो जाती है। तो वहाँ पर जो दो लंगूर होते हैं वो उन दोनों को शांत करते हैं और वहाँ से वापस भेज देते हैं, और समंथा का प्लान यहीं पर फेल हो जाता है और वो साओ को उन नमूनों के साथ नहीं भेज पाती और ना ही अपने बेटे से दूर कर पाती है। इधर रॉकी जब हॉस्पिटल आता है और वो वही को नहीं देखता तो वो परेशान हो जाता है, पर उसे पता होता है कि वही कहाँ पर जा सकती है। तो रॉकी जिंसू के घर जाता है और जिंसू से डायरेक्टली पूछता है, क्या सच में तुम वही से प्यार करते हो, और अगर तुम वही से प्यार करते हो तो तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे हो, आखिरकार ये सब क्या माजरा है? तो जिंसू कहता है, मैं वही से प्यार नहीं करता, पर मैं उसे अपनी एक अच्छी दोस्त मानता हूँ। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, जब मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं थी तब वही ने मुझे सपोर्ट किया, उसने मेरा ख्याल रखा, इसलिए मैं वही का साथ नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो मेरी एक अच्छी दोस्त है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता। तो रॉकी कहता है, थैंक यू सो मच मुझे सच्चाई बताने के लिए, अगर तुम उससे प्यार नहीं करते तो इसका मतलब मेरे पास एक चांस है वही को पाने का। तो जिंसू कहता है, तुमने जो भी वही के लिए किया उसे देखकर लगता है कि तुम वही से बहुत प्यार करते हो, अगर तुम वही के साथ रहना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वही का ख्याल रखो और उसे उस ट्रॉमा से बाहर निकालने की कोशिश करो। तो रॉकी कहता है, तुम किस ट्रॉमा के बारे में बात कर रहे हो? तो जिंसू रॉकी को ये बात बताने ही वाला होता है कि उसके फ्रेंड ने वही के साथ क्या किया और वो किस ट्रॉमा से गुजर रही है। उससे पहले ही जिंसू को ऑफिस से कॉल आ जाता है क्योंकि उसने एक मैगजीन इंटरव्यू में अपना अपॉइंटमेंट दिया होता है और वो आज का ही होता है। तो जिंसू पहले तो उस अपॉइंटमेंट को कैंसिल करने वाला होता है, पर रॉकी कहता है, तुम जाओ और अपना इंटरव्यू दो और वही की फिक्र मत करो, मैं उसका ख्याल रख लूंगा। तो जिंसू कहता है, थैंक यू सो मच। आगे जिंसू साओ को कॉल करता है और कहता है, जल्दी से ऑफिस आ जाओ, आज हम दोनों का इंटरव्यू है। तो साओ पहले तो आने से मना कर देती है, तो जिंसू उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट का आर्टिकल बताने लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि हम दोनों को एक दूसरे की इमेज को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो बेचारी साओ को मजबूरन जिंसू की बात माननी पड़ती है। इधर रॉकी वही का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है, तो वही को बहुत ही अच्छा लगता है कि रॉकी उसकी इतनी फिक्र कर रहा है। आगे जब वही को पता चलता है कि उसे बचाते टाइम रॉकी को भी चोट लग गई थी तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। तो वही रॉकी के जख्म पर दवाई लगाती है। तो रॉकी कहता है, मुझे पता है जिंसू तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है और उसे तुम्हारी बहुत फिक्र भी है, लेकिन क्या तुम मुझे ये हक दोगी ताकि मैं तुम्हारी फिक्र कर सकूं, तुम्हारी परवाह कर सकूं और तुमसे प्यार कर सकूं? तो वही को ये सब सुनकर थोड़ा अजीब लगता है और वो रॉकी के किसी बात का कोई रिप्लाई नहीं करती। आगे साओ और जिंसू अपना इंटरव्यू देते हैं और मीडिया के सामने एक अच्छे कपल होने की एक्टिंग करते और वो दोनों साथ में ढेर सारे फोटो भी क्लिक करवाते हैं और ढेर सारी मस्ती भी करते हैं। तो उन दोनों का इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो वो लोग बाहर आ जाते हैं। तो जिंसू को किसी काम से वहीं पर रुकना पड़ता है और साओ बाहर आ जाती है कि तभी उसके हाथ से वही गिफ्ट गिर जाता है जो जिंसू ने उसे बड़े प्यार से दिया होता है। तो साओ उसे उठाने के लिए जा ही रही होती है कि तभी एक गाड़ी उसके पीछे से आ रही होती है और उसे धक्का लगने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर जिंसू आ जाता है और साओ को बचा लेता है। उसके बाद जिंसू साओ को खूब डांटता है और कहता है, क्या तुम्हें अकल नहीं है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा था कि वो गाड़ी तुम्हें धक्का देने वाली है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तो साओ कहती है, मैं ये गिफ्ट उठाने के लिए वहाँ गई थी, अगर ये गिफ्ट को कुछ हो जाता तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, ये गिफ्ट तुमने बड़े प्यार से मुझे दिया था तो मैं इसे कैसे कुछ होने देती।
तो जिनसु ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है और कहता है, जब तुम मेरा दिया हुआ सामान अपने आप से दूर नहीं करना चाहती तो फिर तुम मुझे अपने आप से क्यों दूर भेज रही हो। मुझे पता है तुम्हारे अंदर भी मेरे लिए फीलिंग्स है, लेकिन तुम एक्सेप्ट नहीं कर रही। आखिरकार ऐसा क्यों कर रही हो? तो साओ कहती है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना, मुझे काम पर जाना है। और साओ जिनसु के किसी भी बात का जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है। साओ मैंग से जिनसु के बारे में बात कर रही होती है और कहती है, जिनसु मुझे बहुत ही अफेक्ट कर रहा है। मुझे पता है अब हमारी शादी को खत्म होने में कुछ दिन ही बचे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जिनसु के दिमाग से मेरे प्यार का भूत उतर जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ हो। तो मैंग कहती है, अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो इसमें बुरा ही क्या है, वैसे भी तुम दोनों पति पत्नी हो। वैसे भी जिनसु बहुत ही अच्छा लड़का है। तो साओ कहती है, मैं किसी के भी प्यार को नहीं छीनना चाहती। मुझे पता है जब कोई किसी का प्यार छीनता है तो कैसा लगता है, इसलिए मैं किसी का प्यार नहीं छीनना चाहती। इधर वो नागिन साओ और मैंग की सारी बातें सुन लेती है सीसीटीवी कैमरे से, क्योंकि उसने स्टाफ रूम में रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाई हुई होती है ताकि वो लोगों पर नजर रख सके। तो नागिन जैसे ये सुनती है कि जिनसु और साओ की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, वो तो खुशी के मारे उछलने ही लगती है, क्योंकि उसके पास एक मौका होता है साओ को नीचा दिखाने का। तो वो नागिन उसी रिपोर्टर को कॉल करती है और कहती है, मेरे पास एक तगड़ी न्यूज है जिसे सुनकर तुम पूरी तरह खुश हो जाओगे। आगे वो नागिन उस रिपोर्टर को वो रिकॉर्डिंग दे देती है। तो वो रिपोर्टर उस रिकॉर्डिंग को पाकर बहुत खुश होता है और अपने बॉस को ये बात बताने जाता है कि वही जिनसु से प्यार करती है और जिनसु ने साओ से इसलिए शादी की है ताकि वो दोनों अपना लव अफेयर छुपा सके। तो उसका बॉस इस बात को भी टालने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये रिपोर्टर हमेशा अपनी बात से मुकर ही जाता है। ये जो भी न्यूज लाता है वो बाद में चल के फेक ही हो जाती है। तो वो रिपोर्टर कहता है, सर इस बार मैं सीरियस हूँ, मेरे पास बहुत तगड़ा सबूत लगा है, इस बार मैं ये साबित कर सकता हूँ कि वही और जिनसु का चक्कर चल रहा है। तो वो डायरेक्टर कहता है, अगर ऐसी बात है तो और सबूत लेकर आओ, क्योंकि इतना सबूत काफी नहीं होगा उन दोनों के अफेयर को साबित करने के लिए। हमें उन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ये साबित करने के लिए कि जिनसु और साओ की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। अगर तुम ये सबूत ला सकते हो तभी हम इस न्यूज पर काम करेंगे। तो वो रिपोर्टर कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार इस ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। इस बार मैं उस वही की बच्ची का सारा सच सबके सामने लाकर ही रहूंगा। आगे वही का कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा होता है साओ को अपने पास वापस लाने का। तो वो समंथा से हेल्प मांगती है। तो समंथा कहती है, मेरे पास एक आइडिया है जिससे मेरा बेटा दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ जाएगा। तो वही कहती है, आंटी कौन सा आइडिया? तो समंथा कहती है, क्यों ना मैं तुम दोनों के प्यार पर जादू टोना करवाऊं जिससे मेरा बेटा भागते हुए तुम्हारे पास आ जाएगा। तो वही कहती है, क्या ये तरीका काम करेगा? तो समंथा कहती है, मैं कह रही हूं ना, ये तरीका एकदम काम करेगा। इधर साओ जिनसु की वजह से बहुत ही परेशान होती है। तो मैंग कहती है, अगर तुम सच में जिनसु से अपना पीछा छुड़वाना चाहती हो तो तुम भी जादू टोना करवा लो, इससे जिनसु हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगा। तो साओ कहती है, क्या ये तरीका सच में काम करेगा? तो मैंग कहती है, तुम नहीं जानती वो औरत बहुत ही शक्तिशाली है, वो औरत एक बार भी किसी पर टोना टोटका कर देती है तो वो उतरे नहीं उतरता, एक बार तुम भी ट्राई करके देख लो। आगे साओ और मैंग उसी मिस्टीरियस लेडी को कॉल करते हैं और कहते हैं, मुझे किसी से अपना रिश्ता खत्म करना है। तो वो लेडी कहती है, अगर ऐसा है तो तुम्हें उस बंदे का खून लाकर मुझे देना होगा, तभी तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो पाएगा। तो मैंग कहती है, साओ क्या ये काम तुम कर पाओगी? क्या तुम जिनसु का खून ला पाओगी? तो साओ कहती है, अगर ये टोटका से मेरा और जिनसु का रिश्ता खत्म हो सकता है तो मैं ये करूंगी। इधर समंथा और वही भी उसी मिस्टीरियस लेडी को कॉल करते हैं वही और जिनसु के रिश्ते में सुधार लाने के लिए। तो वो लेडी उन्हें भी खून लाने को कहती है। तो समंथा कहती है, वही क्या तुम सच में मेरे बेटे का खून ला पाओगी? तो वही कहती है, आंटी ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं किसी भी कीमत पर जिनसु का खून लाकर ही रहूंगी। आगे वही और साओ दोनों ही प्लान बनाते हैं जिनसु के खून को पाने के लिए और दोनों ही जिनसु के बेडरूम में चले जाते हैं और चुपचाप उसके बेड पर सो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को लगता है कि इस बेड पर जिनसु सोया हुआ है। और वो दोनों एक दूसरे को जिनसु समझकर एक दूसरे के सर पर दे मारते हैं और दोनों के नाक से खून निकलने लगता है कि तभी उधर से जिनसु नहाकर बाहर आता है और उन दोनों की ऐसी दशा देखकर तो बेचारा पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि तभी उन दोनों की नज़र जिनसु के दाढ़ी पर पड़ती है जहाँ पर उसे खरोच लगी होती है और उससे खून निकल रहा होता है। तो वो दोनों जैसे ही जिनसु का खून देखती है तो वो दोनों ही जिनसु पर टूट पड़ती है और पागलों की तरह करने लगती है। तो बेचारा जिनसु ये सब देखकर तो पूरी तरह पगला जाता है और उन दोनों को अपने रूम से बाहर फेंक देता है। आगे वही जिनसु के रूम में जाती है और उसे मेडिसिन देती है उसके खरोच पर लगाने के लिए। तो जिनसु कहता है, ये सब मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता।
और जिनसू वही के हाथ से वो दवाई लेने से मना कर देता है। तो बेचारी वही साइड होकर वहाँ से जाने लगती है, पर वो जाने से पहले साव को कहती है, ये मेडिसिन जिनसू को दे देना क्योंकि वो मेरे हाथ से तो ये नहीं लेने वाला, शायद वो तुम्हारे हाथ से ले ले। और वही ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो साव जिनसू के पास जाती है और उसे मेडिसिन लगाती है। तो इस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। तो साव ये सब देखकर थोड़ा अजीब फील करती है और वहाँ से जाने लगती है। तो जिनसू उसे रोक लेता है और कहता है, बिना मेरे क्वेश्चन का आंसर दिए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तो साव कहती है, ठीक है पूछो, आखिरकार तुम्हें क्या पूछना है। तो जिनसू कहता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं, और ये लेक्चर अभी बिल्कुल भी मत देना कि तुम किसी और के चीज को छीनना नहीं चाहती। मैं ये सब नहीं सुनना चाहता, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। तो साव को वही का ख्याल आता है कि वही जिनसू से बहुत प्यार करती है और वो जिनसू को वही से नहीं छीन सकती। तो वो जिनसू को कहती है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, और साव ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो जिनसू उसका हाथ पकड़ के खींच कर अपने बेड पर गिरा देता है और कहता है, क्या सच में तुम मुझे पसंद नहीं करती। तो साव को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, मैंने कहा ना मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, और हम दोनों का रिश्ता सिर्फ पैसों से बना हुआ है जो 3 महीने में खत्म हो जाएगा। तो जिनसू कहता है, अगर तुम्हें पैसा इतना ही प्यारा है तो मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा, इसके बदले तुम्हें मुझे किस करना होगा। तो साव ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और जिनसू साव को किस करने लगता है। तो साव उसे धक्का देकर उठ जाती है और कहती है, जिनसू क्या तुम पागल हो गए हो, लोगों की फीलिंग्स को पैसे से तोलते हो। तो जिनसू इस बात पर हंसने लगता है और कहता है, अगर तुम इस बात से मान जाती तो मैं समझ जाता कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और मेरी फीलिंग्स गलत है, लेकिन तुमने इस बात से इनकार कर दिया और इससे प्रूफ होता है कि मेरी फीलिंग्स गलत नहीं है। अब से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम भी मुझे पसंद करो, इसलिए अब अपने दिमाग में बैठा लो कि मैं तुम्हें अपने आप से कभी भी दूर जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मुझे नहीं रोक सकती अपने आप को प्यार करने से। तो बेचारी साव ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह साव ऑफिस जा रही होती है कि तभी वहाँ पर जिनसू आ जाता है और साव को कहता है, चलो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। तो साव कहती है, मैं अपने आप भी जा सकती हूँ, तुम्हें जहमत उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तो साव कहता है, तुम मेरे साथ इसलिए नहीं जाना चाहती ना क्योंकि तुम्हें भी डर लग रहा है कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए। तो बेचारी साव जिनसू के इस के सवाल से पूरी तरह तंग आ जाती है और कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुमसे कोई डर नहीं लग रहा और मुझे ना ही तुमसे कभी प्यार होगा। और साव जिनसू के साथ उसके गाड़ी में बैठकर चली जाती है। आगे जिनसू साव को पटाने की पूरी कोशिश करता है और उसे इम्प्रेस करने की भी कोशिश करता है। तो साव जिनसू के इस तरह के बिहेवियर से बहुत ही इम्प्रेस होती है, पर वो जिनसू के सामने जाहिर नहीं करती। आगे जिनसू साव को ऑफिस छोड़ता है, पर जाने से पहले वो साव के साथ फ्लर्ट करता है। इधर डैनियल भी उन दोनों को एक साथ देख लेता है। तो डैनियल ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि क्या साव की लाइफ में कोई और बंदा है जिसे वो पसंद करती है। एक्चुअली डैनियल साव को बचपन से जानता है, इन दोनों की भी एक स्टोरी होती है। साव और डैनियल दोनों ही एक ही अनाथ आश्रम में पले बड़े होते हैं और उन दोनों की बॉन्डिंग एक दूसरे से बहुत ही अच्छी होती है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। और उन दोनों का सपना भी यही था कि जब कोई पेरेंट्स अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को अडॉप्ट करेंगे तो वो दोनों एक ही घर में जाएंगे और एक साथ पले बढ़ेंगे। और डैनियल और साव ने बचपन में ही प्रॉमिस किया होता है कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे और एक दूसरे से शादी भी करेंगे। लेकिन उन दोनों के इस छोटे से सपने को नजर लग जाती है। डैनियल को एक परिवार अडॉप्ट करने के लिए आता है और वो सिर्फ डैनियल को ही अडॉप्ट करता है। तो डैनियल साव पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है, तुमने मुझसे वादा किया था कि जिस घर में मैं जाऊंगा उस घर में तुम भी मेरे साथ जाओगे, फिर तुम अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ सकती हो, तुम मुझे अकेले वहां पर कैसे भेज सकती हो। तो साव डैनियल के किसी भी बात का जवाब नहीं देती, उल्टा उस पर गुस्सा करके वहां से चली जाती है। तो डैनियल को इसी बात का साव पर बहुत ही गुस्सा होता है कि साव ने बचपन में उसे धोखा क्यों दिया। और डैनियल इसी सवाल का जवाब पाने के लिए साव के करीब आता है। दूसरी तरफ डैनियल अपने सारे स्टाफ को छत पर बुलाता है, वो भी 10 मिनट के अंदर। तो सारे स्टाफ दौड़कर जाने लगते हैं, पर उसमें से एक स्टाफ अच्छे से नहीं चल पा रहा होता है। तो साव उसे अपने कंधे पर उठाकर लेकर जाती है और इस चक्कर में उसकी रिंग वहीं पर गिर जाती है और साव को पता भी नहीं चलता। आगे सारे स्टाफ अपने होटल के सीओ से मिलते हैं। तो सारे स्टाफ अपने सीओ से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तो वो नागी सीओ के सामने अपना इम्प्रेशन जमाने की कोशिश करती है, पर उसकी एक भी नहीं चलती डैनियल के सामने, क्योंकि डैनियल को पता होता है कि वो एक नंबर की नागिन है, उसका काम सिर्फ जहर उगलना ही है। आगे डैनियल साव को बचपन की सारी बातें याद दिलाने की कोशिश करता है और उसे ढेर सारी हिंट भी देता है, पर साव उसके किसी भी हिंट को नहीं समझ पाती। उल्टा उसे ये लगता है कि डैनियल उसे पटाने की कोशिश कर रहा है और उसे हरास कर रहा है। आगे साव और मैंग दोनों ही उस मिस्टीरियस लेडी के पास जाती है। तो वो मिस्टीरियस लेडी कहती है, तो वो लेडी कहती है, मैं टोटका करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जैसा कहूँगी तुम लोगों को
ऐसा ही करना होगा। तो साउ कहती है ठीक है। इधर समंथा और वही उसी लेडी के पास आती है टोना टोटका करवाने के लिए। तो वो लेडी कहती है मैं तुम लोगों को जैसा कहूंगी तुम लोगों को वैसा ही करना होगा। आगे वो दोनों अपने नियम के अनुसार काम कर ही रहे होते हैं कि तभी उन दोनों की मुलाकात हो जाती है। तो वही को लगता है कि साउ यहाँ पर जिंसू को उससे छीनने के लिए आई है, पर साउ यहाँ पर जिंसू की लाइफ में खुशहाली मांगने के लिए दुआ करने के लिए आई हुई होती है, ना कि उन दोनों को अलग करने के लिए। आगे वो लेडी उन दोनों को कहती है तुम लोगों को ये फ्लावर पेड़ में टांगना होगा और इस पेड़ में सिर्फ एक ही फ्लावर टंग सकता है, इसलिए अब तुम दोनों सोचो कि किसका फ्लावर उस पेड़ पर टंगेगा। तो दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करने लगती है कि मेरा फ्लावर उस पेड़ पर टंगेगा, कि तभी वही की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि उसके पेट में चोट लगी होती है। तो साउ वही को इस तरह दर्द में तड़पते हुए नहीं देख पाती और कहती है तुम ही ये फ्लावर टांग लो। तो वही ये सुनकर खुश हो जाती है और अपना फ्लावर उस पेड़ पर टांग देती है। तो समंथा को ये सब देखकर बहुत ही अजीब लगता है कि साउ अपने हिस्से की खुशियां वही को बिना उफ के दे रही है। तो समंथा को साउ के लिए बहुत बुरा लगता है। आगे वो लेडी उन दोनों के पत्र को लेती है और उन दोनों पर जादू टोना करने लगती है कि किसका प्यार रहेगा और किसका प्यार नहीं रहेगा। तो वो लेडी जिंसू और वही के कनेक्शन को कट कर देती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वही का रॉकी के साथ चक्कर चल रहा है, जिस वजह से वो जिंसू और वही के कनेक्शन को कट कर देती है और साउ और जिंसू के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उस पर जादू टोना करती है, जिस वजह से वही का फूल पेड़ पर से नीचे गिर जाता है। इधर मैंग साउ पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है तुमने अपना चांस वही को क्यों दे दिया। तो साउ कहती है तुम जानती हो ना मैं किसी और का चीज नहीं ले सकती, पास्ट में मेरी वजह से क्या कुछ नहीं हो गया था और जबकि मुझे पता है कि वही जिंसू से बहुत प्यार करती है और वो जिंसू को बहुत खुश रखेगी और मैं यहाँ तो सिर्फ जिंसू के लिए ही दुआ मांगने आई थी और वही भी तो जिंसू के लिए ही मांगने आई थी, तो मेरा हो या उसका तो क्या फर्क पड़ता है। कि तभी साउ की नजर अपने हाथ पर पड़ती है क्योंकि उसके हाथ में उसकी वेडिंग रिंग नहीं होती। तो साउ ये सब देखकर पूरी तरह परेशान हो जाती है कि आखिरकार उसकी वेडिंग रिंग गई तो गई कहाँ। तो मैंग कहती है तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, जब तुम्हें इस शादी से फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हें उस रिंग से क्या फर्क पड़ता है। तो साउ कहती है हाँ मेरी ये शादी नकली है लेकिन मुझे उस रिंग से फर्क पड़ता है, वो रिंग जिंसू ने मुझे दी थी, मुझे वो रिंग ढूंढना होगा। तो मैंग कहती है ठीक है तुम यहीं पर रुको मैं मंदिर में देख कर आती हूँ कहीं वहाँ पर तो नहीं गिरी है। कि तभी उधर से समंथा और वही आते हैं। तो समंथा वही को कहती है क्या तुम हमारे साथ शॉपिंग पर चलोगी। तो साउ कहती है थैंक यू समंथा लेकिन मुझे सामान खरीदने के लिए मार्केट जाना होगा और आप लोग वहाँ जाकर तो बोर ही हो जाइएगा ना। तो समंथा कहती है मुझे मार्केट बहुत पसंद है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो वही मार्केट जाना नहीं चाहती पर वो समंथा की वजह से चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने समंथा और साउ को अकेला छोड़ दिया तो साउ समंथा को पटा लेगी और समंथा उसके साइड के बजाय साउ के साइड चली जाएगी। इधर जिंसू ऑफिस में काम कर रहा होता है कि तभी उसका बॉस आता है और जिंसू को कहता है मेरी ब्लाइंड डेट फिक्स हो गई है और मैं अपनी ब्लाइंड डेट गर्ल से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ लेकिन मैं बहुत नर्वस भी हूँ, क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो पहले तो जिंसू मना कर देता है पर बॉस उस पर इतना इमोशनल अत्याचार करता है कि बेचारा जिंसू भी उनकी बात सुनकर पूरी तरह परेशान हो जाता है और अपने बॉस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। आगे वो तीनों मार्केट जाते हैं सब्जियां खरीदने के लिए। तो वही को वहाँ का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और उसे वहाँ के सामानों को देखकर उल्टियाँ आने लगती है। तो वही समंथा को कहती है समंथा मैं आपका बाहर ही इंतजार करती हूँ, आप लोग का जैसे ही काम खत्म हो जाए आप लोग बाहर आ जाइएगा। और वही ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे साउ सामान खरीदती है तो वहाँ के सारे लोग साउ से बहुत ही अच्छे से बात करते हैं और उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो समंथा ये सब देखकर बहुत खुश होती है कि साउ के इतने चाहने वाले हैं और साउ लोगों के साथ भेदभाव नहीं करती, उनके पहनावे को लेकर वो सबसे घुल मिलकर रहती है।